हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये मई मंथ की मैगज़ीन है और इसमें मैं आपको इन्वायरमेंट वाले सेक्शंस को कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बड़े वाले आर्टिकल्स आज पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक है ट्रेडिशनल नॉलेज इन इंडिया, भारत में पारंपरिक ज्ञान की बातें यहाँ पे हो रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। किस लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ को हम लोग समझेंगे, सवाल कहाँ से बन सकता है, उन पॉइंट्स को हम लोग इसमें से निकालेंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसने क्या किया है, बौद्धिक संपदा पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, अनुवांशिक संसाधन यानी कि जेनेटिक रिसोर्सेज पे और पारंपरिक ज्ञान ट्रेडिशनल नॉलेज पे एक ट्रीटी को अपनाया है, संधि को अपनाया है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर किसी इन मुद्दों पे जो है कोई ट्रीटी होती है, संधि होती है। संधि क्या होती है, किन्हीं दो या दो से चार से अधिक देशों के बीच में या बहुत सारे देशों के बीच में किसी एक मुद्दे पे खास समझौते होते हैं और उसका अनुपालन होता है, वही संधि होती है, ठीक है। तो संधि हुई है वो किसने अपनाया है, WIPO ने, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने किया। तो बात इसमें क्या आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या आती है, दूसरी बात क्या आती है, अनुवांशिक संसाधन क्या होता है, जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होते हैं, ठीक है, इस पे बात आती है। तो संधि को हम लोग पढ़ेंगे, संधि के एक अलग से एक आर्टिकल है। तो जेनेटिक रिसोर्सेज की जो मेन बातें हैं वो ये है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते क्या हैं, तो ऐसे ये संसाधन जो है औषधि पौधों, कृषि फसलों और पशु नस्लों में से जो नेचुरली रूप से जो पाए जाते हैं, यानी जो संसाधन पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अन्य किसी जीवों से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम लोग जेनेटिक रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। अब जेनेटिक रिसोर्सेज को सीधे बौद्धिक संपदा के रूप में तो हम कंजर्व कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जो है पेटेंट के जो मतलब, परंतु अगर इनके लिए अगर कोई आविष्कार होता है तो उन आविष्कारों को हम लोग पेटेंट के जरिए संरक्षित करते हैं, ठीक है। तो भाई जेनेटिक रिसोर्सेज अगर सीधे तो संरक्षित हो नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है, जो पेड़ होगा, मान लो कि आलू है, आलू इंडिया में भी है और अमेरिका में भी है, तो कैसे रिसोर्स मतलब उसको जेनेटिक उसको हम लोग संरक्षित कर नहीं सकते हैं बौद्धिक संपदा के रूप में, तो उस पर कोई रिसर्च होगा तो वो रिसर्च को हम लोग पेटेंट के जरिए संरक्षित करेंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज यानी कि जो मूल समुदाय होते हैं, देशज लोग होते हैं, जैसे कि आदिवासी लोग, उनके द्वारा पीढ़ियों से, या मान लीजिए कोई आदिवासी नहीं, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, जैसे आपके यहाँ मान लो आयुर्वेदिक है, ये एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है। यूनानी पद्धति जो दवाई होती है वो ट्रेडिशनल नॉलेज है, क्योंकि ये पीढ़ियों से संरक्षित नॉलेज है, कई पीढ़ी जो है उसकी चलती आई है और उसी पे बेस्ड ये नॉलेज है। ये प्राकृतिक रूप से पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जिसमें कि कृषि, वैज्ञानिक, पारिस्थितिक और औषधि ज्ञान होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। कई बार समुदायों का चुनौतियों का सामना करने से भी विकसित होता है, और ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है वो व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी हो सकता है। अब इसका महत्व क्या है ट्रेडिशनल नॉलेज का, कि ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने में मदद करते हैं, और दुनिया की जो 80% आबादी है, प्राइमरी जो हेल्थ की देखभाल के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज पर ही निर्भर होती है, ठीक है, ये बातें। अब बात है भारत में पारंपरिक ज्ञान और अनुवांशिक संसाधनों से चुनौतियाँ क्या हैं। ये मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स का टॉपिक तो नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना है बायोपायरेसी, विदेशी कंपनियां क्या करती हैं कि भारत के जो अनुवांशिक जेनेटिक रिसोर्सेज हैं और ट्रेडिशनल उसका उपयोग कर लेती हैं और पेटेंट करा लेती हैं और इसका जो व्यवसायिक लाभ भी उठा लेती हैं, न तो समुदायों जिनका ये नॉलेज है उनके साथ कोई साझा करती हैं, और न ही इन संसाधनों के जो है या इन लोगों को मान्यता देती हैं कि ये इनके संसाधन हैं, ठीक है। ऊपर से व्यवसायिक लाभ भी कमा लेती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसानों पर प्रभाव पड़ता है, जो किसान क्या है कि कई पीढ़ी से मुख्य खाद्य फसलों की खेती कर रहे हैं, उनके पास वही जो MNCs कंपनियाँ होंगी, फसलों के लिए पेटेंट कराई गई किस्मों पर खेती करने का अधिकार नहीं देती हैं, वो चीज़ें होती हैं। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं होता है, कई बार क्या है कि कोई वैश्विक कानूनी फ्रेमवर्क है ही नहीं जो कि उसको पूरी तरह से संरक्षित करने के लिए उनके लिए दुरुपयोग हो रहा हो, या फिर उनका जो है लाभ साझा करने के संबंध में कुछ चिंताएं हो रही हो तो उसको रोके, ऐसे में ये समस्या है। और जैव विविधता के संरक्षण में भी कोताही होती है, ठीक है। तो इससे ये भारत में बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, किस चीज़ को लेकर के, ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के और जेनेटिक रिसोर्सेज को लेकर के,
ठीक है। तो भारत के जो पारंपरिक ज्ञान और जो जेनेटिक रिसोर्सेज उसके लिए सरकारी प्रयास क्या हुए हैं, तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना ये सरकार ने किया है। यह क्या करती है कि जो समुदाय होंगे उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका डिजिटल डेटा का संग्रह होता है। इससे क्या होता है कि जो बायोपायरेसी होती है या गलत तरीके से पेटेंट कराते हैं उसको रोक मिलती है। भारतीय पेटेंट एक्ट है 1970, ठीक है। इसके साथ ही अगर देखें तो दूसरा तीन चार और भी प्रयास हुए, जैसे कि जैव विविधता कन्वेंशन 2002 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार UPPCS ने पूछा हुआ किस साल में आया हुआ है, 2002 में आया हुआ था, ठीक है। वन अधिकार अधिनियम भी कई बार प्रॉब्लम्स में सवाल पूछा हुआ है, तो 2006 में आया था। जो करता क्या है कि जो वन यह कानून जो है वन संसाधनों को और जो पारंपरिक गतिविधियां प्रैक्टिसेस हैं उनको, जो कम्युनिटीज उनकी होंगी उनके अधिकारों को वो मान्यता देता है, ठीक है। इसी तरह से GI टैग है, GI टैग मिलते हैं भारत में, आप जानते होंगे बहुत सारे GI टैग हर महीने लगभग किसी न किसी राज्यों में कुछ न किसी चीज़ को मिलता ही रहता है। आयुष मंत्रालय है और यूनेस्को द्वारा मान्यता, यानी कि योग को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी सूची में शामिल किया गया है। इसी तरह से पौधा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 भी है। तो ये कई सारे जो प्रयास हैं वो ये सरकार ने किए, ठीक है। ऐसे में आगे की राह हो क्या सकती है, तो ध्यान देना है कि देश भर में जो भी प्लांट्स की किस्में हैं या उसके जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं प्लांट्स के, उनको मूल स्थान पे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन आप जानते ही होंगे, तो इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू संरक्षण के लिए हम लोग कृषि अनुसंधान शुरू कर सकते हैं और ऐसा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि जो पारंपरिक औषधि पौधे हैं उसके युक्त हर्बल एक उद्यान स्थापित करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जो ट्रेडिशनल नॉलेज के विशेषज्ञ हैं उनके लिए आय सुनिश्चित करनी चाहिए, जो कि रिसर्च और विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में बहुत सारे जो पाठ्यक्रम है उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को शामिल करना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में उपचार विधियों को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं, लीडर्स हैं, नवाचार, उनको प्रोत्साहन करके मान्यता देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बात आती है मेन टॉपिक पर कि ये न्यूज में रहा था, क्यों रहा था, क्योंकि WIPO ने इस पर एक संधि को अपनाया, ठीक है। तो उस संधि को हम लोग देखने जा रहे हैं, ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो संधि को किसने अपनाया, 150 से अधिक देशों ने किया जनरल कंसेंट, यानी कि आम सहमति से इसको अपनाया है, आम सहमति, सबकी आम सहमति थी। 150 से अधिक देश थे जिसमें कि जो है अब भारत भी है, ठीक है, भारत सहित। इसके लिए वार्ता तो 2001 में शुरू हुई थी, अब जाकर अपनाया गया है। यह एक पहली संधि है, WIPO की पहली संधि है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, जेनेटिक रिसोर्सेज को, ट्रेडिशनल नॉलेज को, इनके संबंधों को ध्यान में रखा गया है। और साथ साथ क्या कहा गया है कि देशज या जो मूलवासी होंगे उनके साथ साथ जो स्थानीय समुदाय होंगे उनके हितों की सुरक्षा के लिए इसमें विशेष प्रावधान को शामिल किया जाएगा, ठीक है। कोई भी 10 देश WIPO का ये इसमें पक्षकार बन सकता है। पुष्टि करने के बाद जो है 3 महीने बाद ये लागू होगी। कारण, इसका मतलब, उद्देश्य क्या है, तो पेटेंट की प्रणाली जो है उसके पेटेंट प्रणाली में जो प्रभाव है, पारदर्शिता है, जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करना है, उन जो मतलब जो गलत तरीके से जो पेटेंट कराए जाते हैं उसको रोकना है, ठीक है। और इस संधि में ध्यान देना है UN ट्रिप की प्रतिबद्धताओं को जो है माना गया है, UN ट्रिप की, ठीक है। तो UN ट्रिप क्या है, ध्यान बस इतना देना है कि बस UN ट्रिप की होता क्या है, उससे अधिक नहीं जाना, क्योंकि हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते ना। तो इसको UNGA ने अपनाया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2007 में। इसमें जो इंडिजिनियस पीपल हैं, जो देशज लोग हैं, उनके मानवाधिकारों की मान्यता दी गई है, ठीक है। जैसे कि उनके पारंपरिक ज्ञान को बनाए रखना है, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें सिक्योर करना, उन्हें डेवलप करना, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, भारत इसका समर्थन किया है। तो इसके संकल्पों को भी इसमें जो है संधि ने अपनाया है, ठीक है। संधि के प्रावधान यह है कि अनिवार्य पेटेंट प्रकटीकरण होगा, यानी कि जो भी आविष्कार होंगे, खोज होंगे, उसमें जेनेटिक रिसोर्सेज को क्या यूज होगा, उसके पेटेंट आवेदकों को उस संसाधन क्या यूज हुआ है, उस संसाधनों के जो मूल देश है या स्रोत है, सोर्स है, कहाँ से आपने इन सब चीज़ों को पाया, उसके बारे में बताना होगा। साथ ही साथ उन कम्युनिटीज़ का भी उल्लेख करना होगा जिनके ट्रेडिशनल नॉलेज पे चीज़ें आधारित हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि संधि में बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर हमें कानूनी, प्रशासनिक और नीतिगत फ्रेमवर्क का निर्माण करना है, सूचना प्रणालियों की स्थापना करनी है, और ध्यान देना है कि संधि की जो प्रत्येक पक्षकार होंगे उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इस प्रतिनिधि में एक प्रतिनिधि क्या होगा, इस असेंबली में शामिल होगा, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। ये ध्यान ये भी देना है कि रेट्रोस्पेक्टिव इस पर लागू नहीं होगा, यानी कि संधि के लागू होने से पहले के जो दायर किए गए पेटेंट होंगे उस पर लागू नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान ये देना। साथ साथ कहना है कि जो मतलब विकासशील देशों में उनको वित्तीय सहायता भी होगी, ये चीज़ें हैं। बात आती है कि संधि का महत्व क्या है,
मेंस में तो पूछ ही सकता है ना शायद, ये तो चीज़ें बन सकती है ना GS3 में। तो इस पे ध्यान देना आपको कि पेटेंट प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। ट्रिप्स समझौते जो ये क्या करती है कि बहुत बार जो है ये IPR की जो IPR है उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की सुरक्षा तो नहीं करती है। तो ये जो पेटेंट प्रणाली है इसमें पारदर्शिता आएगी और ये जो कमी है उसको दूर करेगी। मान्यता और समावेशन की जो है उसको और बढ़ावा देगी, दुरुपयोग को रोकेगी, ठीक है, क्योंकि अनिवार्य प्रकटीकरण दायित्व तो होगा, ऑब्लिगेशन आपका हो सकता है कि आपने आपका सोर्स क्या है, किस कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशनल नॉलेज पे सारी चीज़ें बेस्ड हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या होंगी, इसे दुरुपयोग नहीं हो सकता। बायोपायरेसी पे अंकुश लगेगा, यानी कि जो ग्लोबल साउथ के देश है, जैसे आप ग्लोब आप देखो तो ग्लोबल मतलब विकासशील देश है, उनके पारंपरिक ज्ञान का पेटेंट कराने से रोक लगाई जाएगी ये संधि, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे घाव भरने के लिए हल्दी या फंगस को रोकने के लिए नीम के तेल पर USA द्वारा पेटेंट करा लिया गया, तो भारत ने विरोध किया। भारत ने विरोध इसलिए किया कि भारत का तर्क था कि हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से सारी चीज़ें चल रही हैं, हम लोग नीम का जो है पौधा बहुत सारे औषधि उपयोग करते हैं, जैसे कि उसका पत्ती जलाते हैं तो मच्छर भी भागते हैं, कई बार क्या होता है कि नीम के तेल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो नीम का तेल का इस्तेमाल होता है, कई बार उस पर जो है काढ़ा बनाकर लोग पीते हैं, हल्दी का इस्तेमाल होता है घाव भरने के लिए, तो जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ भी नीम का तेल, तो तमाम चीज़ें तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली जा रही हैं। अमेरिका ने इस पे पेटेंट करा लिया तो फिर विरोध किया गया, तो उसको फिर बाद में हटाई। फिर नैतिक नवाचार को यहाँ पे प्रोत्साहन करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या होगा कि इससे ये संधि का महत्व मालूम चलता है, यानी हमने पूरा आर्टिकल देखा, इसमें इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स के लिए ये है कि प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये संधि, किस संधि को किसने अपनाया है, जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज आपने समझ लिया है, बाकी चीज़ें क्या हैं आपको ध्यान देना, इसमें जो एक्ट भारत के जो हैं ये बनाए गए हैं, जो प्रयास किए गए हैं उनको आपको जानना ही, सब आप जानते ही होंगे, बाकी इसमें 100 भारत भी है संधि में, बस इसको देख लेना है, और ये क्या करता है आप जानते रहेंगे तो सारी चीज़ें आप करने जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना, ये ट्रांजिशन फेज की जो बात की जा रही है ना, तो ये रिपोर्ट किया आई है एक विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 एक शीर्षक है, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट को जारी किया है। क्या जारी किया है, एक रिपोर्ट जारी किया किसने, WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, क्या रिपोर्ट जारी किया, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 एक रिपोर्ट, इसी के नाम से शीर्षक है। यह रिपोर्ट जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पर आधारित है, ठीक है, 120 देशों को उनकी ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन के आधार पर उनके सिक्योर, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव जो एनर्जी की प्रणालियां हैं, सिस्टम्स हैं, उसको अपनाने में उनकी तैयारी क्या है, उसके बेस पर उसका मूल्यांकन किया गया है। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 है उसके फ्रेमवर्क का एक उपयोग करके देशों की जो ऊर्जा प्रणाली है उसका एक व्यापक तरीके से इवोल्यूशन करता है, मूल्यांकन करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसमें आपको प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान देना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या लॉन्च किया रिपोर्ट, तो फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024, भारत का रैंकिंग क्या है, 63वां रैंकिंग, UPPCS, BPSC और अन्य जो एग्जाम्स में डायरेक्ट रैंकिंग पूछता है, भारत की रैंकिंग है 63वां, ठीक है। इसमें ध्यान देना है कि क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जो है भारत में ये क्या हो गया है, $1.8 trillion पहुंच गया है, ठीक है। 2021 के बाद से जो क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें जो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई है उसका लगभग 90% जो विकसित अर्थव्यवस्था चीन में हुई है, ये भारत का डाटा नहीं है, विश्व का डाटा है, $1.8 trillion, ठीक है। जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 देश हैं उसमें ध्यान देना, भारत 63वें पे है, टॉप पे है स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ठीक है, ये चीज़ है। 8 देशों ने नेट जीरो का इमिशन जो है वो हासिल किया है, कौन कौन से देश है, तो भूटान है, ठीक है, भूटान है, कोमोरोस है, गैबान है, गुआना है, मेडागास्कर है, नियू है, पनामा है, सूरीनाम है, ये देशों को मैप में देख लेना है, ठीक है, मैप में आप इसको देखना और आप खुद सोचना कि ये क्यों नेट जीरो सजन हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं और इन्होंने हासिल कर लिया है। आप खुद इनके मैप, अब मैप देखने का मतलब नहीं कि उसका फिजिकल पॉलिटिकल मैप उठाकर देख लो और समझ जाओगे, नहीं, फिजिकल मैप उठाना, कोशिश करना कुछ कंक्लूजन निकालने की कि क्यों इन देशों ने जो है नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने में सफलता पाई है अन्य देशों के मुकाबले, ठीक है। उनकी जो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं तमाम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करना, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है भूटान के बारे में और इन देशों के बारे में, और इन देशों की लोकेशंस को मार्क करना कि विषुवत रेखा के कितने नज़दीक है, कितने पास हैं, ठीक है, तो चीज़ें बहुत सारी आपको क्लियर होंगी।
जनरेटिव एआई से ऊर्जा कंपनियों को सालाना जो है वो देखें तो $500 बिलियन की बचत हो सकती है, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो आर्थिक अस्थिरता है, अस्थिरता इंस्टेबिलिटी है, जियो पोलिटिकल जो टेंशनस हैं उसके वृद्धि और टेक्नोलॉजी में चेंजिंग से क्या होगा कि जो ये अनिश्चितताएँ पैदा होंगी और ये स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में गति को बाधित कर रही हैं। इसको आपको मेंस के टॉपिक में यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको क्लीन एनर्जी के अपनाने के संबंध में चुनौतियों को लिखना रहेगा, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना। अब आती है हम लोग हमने कि एनर्जी ट्रांजिशन होता क्या है, भारत में इसकी स्थिति क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं और आगे की राह क्या हो सकती है। मेंस के टॉपिक हो सकते हैं भारत की पहल और विश्व की पहल, ठीक है, मेंस के टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक। हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी ट्रांजिशन होता क्या है। तो एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में ध्यान देना है, इसका अर्थ ये है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसका उत्सर्जन करने वाले जीवाश्म पर निर्भरता कम करना है और साथ साथ हमें क्या करना है कि जीरो कार्बन एमिशन की तरफ जो एनर्जी सोर्स है उस पर निर्भरता को बढ़ाना है। यानी कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जहाँ से हो रहा है उससे कहाँ होना है कि हमें जो है उस पर निर्भरता कम करके शून्य उत्सर्जन वाले पे, जीरो एमिशन वाले पे आगे बढ़ना है। और इसी फेज को जो एरिया यहाँ से यहाँ तक हम जो फेज को कवर करें इसी एरिया को इसी चीज़ को जो है पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है, संक्रमण काल इसको बोलते हैं। तो इसके लिए क्या है कि वैश्विक ऊर्जा सेक्टर में दीर्घकालीन जो है वो रणनीतियाँ बनाने की अपेक्षा होती है, इसी से जो है कार्बन उत्सर्जन को हम लोग कम कर सकेंगे और डीकार्बोनाइजेशन के लिए उपाय भी इसी में शामिल है। इसका महत्व क्या है भारत के लिए कि एनर्जी सिक्योरिटी को जो है सुनिश्चित करना है, रोजगार के अवसर को बढ़ाने हैं और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में से मदद मिलेगी, ठीक है। भारत की स्थिति इसमें क्या है ये जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ध्यान देना प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, खासकर UPPCS के लिए अभी होने वाला है तो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो नेट एनर्जी ट्रांजिशन में भारत की स्थिति क्या है, तो भारत है नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के बारे में क्या है, विश्व में चौथे स्थान पे है, ठीक है, ध्यान देना नवीकरणीय ऊर्जा बार बार पूछता है, UPPCS फोकस करता है इस पे, नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता यानी टोटल जितना हमारी स्थापित क्षमता है उसमें हम लोग क्या है विश्व में चौथे स्थान पे है। पवन ऊर्जा, ध्यान देना पवन ऊर्जा में हम लोग क्या है चौथे स्थान पे हैं और सौर ऊर्जा में हम लोग क्या है पांचवें स्थान पे, डेटा को लिख लेना, दो में चार पे हैं और एक में सौर ऊर्जा में पांचवें पे, ठीक है। अच्छा भारत का लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य को ध्यान देना, कन्फ्यूजन यहाँ पे होगी, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट की एनर्जी प्रोडक्शन करनी है और अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 50% हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करनी है, ठीक है। अब आता है कि ये हिस्सेदारी देखो, आप ये देखो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अलग अलग जो हिस्सेदारी है, सवाल यहाँ से बन सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा जो है टोटल हमारा कितना लक्ष्य है 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट हम लोग उत्पादन करना है और 50% अपने जो रिक्वायरमेंट है उसका हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हम लोग लाएंगे। अभी आप देखो कि टोटल नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसमें हमारी स्थिति क्या है, सोलर से 57%। अब इसके लिए PM सूर्य घर योजना दो तीन योजनाएं लॉन्च हुई हैं, उसको मैं एक कॉपी पे नोट करके बता दूंगा, उसको कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है प्रीलिम्स के एग्जाम्स में, इसलिए उसको मैं आपको एक अलग से डेटा सेट बना करके दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन किए रहेगा वहाँ पे मैं भेज दूंगा। सोलर 57% है, ध्यान देना इसमें पवन जो है ऊर्जा है वो 32% है, ये डेटा को मैं बता रहा हूँ कैसे सवाल पूछ सकता है। फिर इसके बाद बायोमास जो है और फिर लघु जल विद्युत है और फिर अपशिष्ट ऊर्जा है, सवाल UPPCS में ऐसे आए हैं, प्रोड्यूसर क्वेश्चन को आप देखना, पूछता है कि नवीकरणीय ऊर्जा जो उत्पादन उसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है, क्रम आपसे पूछ देगा सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है, सोलर की है, फिर इसके बाद आपको क्या है पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा के बाद क्या है आपका बायोमास है, ठीक है, बायोमास को ध्यान देना, ठीक, ये चीज़ को तीनों को। आप बात आती है कि एनर्जी ट्रांजिशन की चुनौतियाँ क्या हैं, मेंस का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। तकनीकी बाधाएँ हैं एनर्जी के स्टोरेज के लिए, एडवांस बैटरी के लिए जो या अगले पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर के लिए हमारे पास अभी क्या है, अभी विकास के चरण में है, तो ऐसे में तकनीकी बाधाएँ आ रही हैं, निवेश में असमानताएँ आ रही हैं, धन की कमी हो रही है, स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में जो जो धन है जो फाइनेंस चाहिए वो अभी काफ़ी कम है,
सब्सिडी और जो सप्लाई जो चेन है उसमें अनिश्चितताएं आती हैं। कई बार होता क्या है कि हाई इंटरेस्ट रेट और लागत में वृद्धि की वजह से होता क्या है कि बहुत सारा डेवलपर्स जो है उसके लिए रिटर्न काफ़ी कम होता है, तो लोग इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन और व्यापार संरक्षणवाद से क्या हो रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्पों में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, एनर्जी स्टोरेज की सीमाएं भी हैं कई बार, और वित्तीय और आर्थिक बाधाएं भी यहां पे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एनर्जी ट्रांजिशन की चुनौतियां हैं जिसको आप लोग मेंस में टॉपिक वाइज टॉपिक इसको आप लोग पॉइंट वाइज नोट कर सकते हो। आगे की राह से जानने से पहले हम जान सकते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन में वैश्विक पहल क्या हुई है और भारत ने क्या पहल किया है। तो वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत की पहल पर ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में अपनाया गया, फिर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा चलाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है कि विश्व में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए हमें एक्शन लेना है। पैनल ऑन क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स ये बनाया गया। इस तरह से जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है, ठीक CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसको EU ने शुरू किया था 2023 में। इसी तरह से वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता संकल्प है, UAE ने 2023 में ही जो है वो COP28 में इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य क्या है कि हमें 2030 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा की कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाना है। इसको मैंने आपको PT365 में और अक्टूबर मंथ की मैगजीन आपको मैंने पढ़ाया था, अक्टूबर ही शायद नवंबर वाले में। ठीक है, इसके बाद आता है कि भारत की पहल, भारत ने क्या पहल किया है, तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन 2010 में अपनाया गया। इसी तरह से राष्ट्रीय ई मोबिलिटी मिशन योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्माण के बढ़ावा देने के लिए हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना चलाई जा रही है। इसको फाइनेंस कौन करता है? विश्व बैंक करता है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को अपनाया गया, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में इथेनॉल और बायोडीजल को बढ़ावा देना है। इसी तरह से नवीकरणीय खरीद दायित्व, ठीक है, नवीकरणीय खरीद दायित्व को यहाँ पे बढ़ाया गया, यानी कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस को। अच्छा, इसके बाद राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को सरकार ने लॉन्च किया 2023 में। उद्देश्य क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन और इसके बायो प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए, उपयोग के लिए, निर्यात के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाना है। तो ये प्रयास हुए हैं, आगे की राह क्या हो सकती है उसको हम जानते हैं। तो हमें निवेश में जो असमानता है उसको दूर करनी है, घरेलू पूंजी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, डीकार्बोनाइजेशन के लिए कानूनों को हमें लागू करना है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं और उसकी निरंतरता उसको सुनिश्चित करने के लिए हमें एक राजनीतिक प्रतिबद्धता की ज़रूरत है, अभाव या संकट का सामना करने वाले परिवारों के लिए एनर्जी इक्वलिटी को प्रदान करना है, सामाजिक सुरक्षा उपाय और क्षतिपूर्ति उपायों को बढ़ावा दे सकते हैं हम लोग, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और नई टेक्नोलॉजी को हम लोग अपना सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को ग्लोबल पब्लिक गुड्स का दर्जा दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को सभी के लिए सुलभ बनाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और उपयोग में समानता सुनिश्चित करके क्या कर सकते हैं हम लोग कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को तर्कसंगत बना सकते हैं और जल्दी से पूरा करके जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ घरेलू फ्रेमवर्क नीतिगत में भी सुधार करके हम इन जो एनर्जी ट्रांजिशन की समस्याएं हैं उससे हम लोग निपट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप देखो तो पूरा आर्टिकल में आपने कवर कर लिया। सवाल कहाँ से बन सकते हैं प्रीलिम्स में, वो मैंने आपको बता दिया है, वो चीज़ें आपको आ गई होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल आता है मैंग्रोव संरक्षण, यानी कि मैंग्रोव कंजर्वेशन। सुर्खियों में क्यों रहा है कि IUCN ने रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम का आकलन जारी किया, असेसमेंट जारी किया। किसने जारी किया? IUCN ने जारी किया, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि मैंग्रोव जो इकोसिस्टम है, आप कमेंट करके बताना इकोसिस्टम टर्म का इस्तेमाल किसने किया था, ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताना। UPPCS में कई बार सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में मैंग्रोव का 50% से वनरेबल इंडेंजर्ड और क्रिटिकल इंडेंजर्ड उसके यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसके तथ्यों को समझेंगे हम लोग, IUCN के जो रेड लिस्ट इसमें बताया गया है तथ्यों को समझेंगे। अब आता है कि इसके साथ ही हम लोग समझेंगे कि IUCN के रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम के तहत ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस जैसे संगठनों के साथ विशेषज्ञों के साथ मिलकर 44 देशों में 36 क्षेत्रों का यहाँ पे असेसमेंट किया गया, मूल्यांकन किया गया। यह जो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के तहत जो है कुमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लिए संकेतकों में से एक है, ठीक है, प्रमुख संकेतक जो है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो दक्षिण भारत है, श्रीलंका है, साउथ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, जो उत्तर पश्चिम अटलांटिक है, यानी कि उत्तर और पश्चिम वाला जो अटलांटिक, जिसे आप देखो ये वाला, ये
नॉर्थ अमेरिका हो गया या साउथ अमेरिका हो गया, तो ये वाला अटलांटिक वाला रीजन जो है यहाँ पे मैंग्रोव का जो इकोसिस्टम है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया गया है। ठीक है, मोटा मोटी आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी पे जो भी मैंग्रोव प्रणाली है उसमें लगभग 33% जो प्रणालियाँ हैं वो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के चलते खतरे में हैं। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, अगर आप डेटा बैंक को देखो तो इम्पोर्टेंट डेटा कुछ फैक्ट्स हैं कि 2050 तक अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे, अगर हम लोग मैंग्रोव का अभी से संरक्षण नहीं करेंगे 2050 तक विश्व के 5% मैंग्रोव समाप्त हो जाएंगे, और समुद्री जल स्तर में वृद्धि होने से 15% जो मैंग्रोव होंगे वो समुद्र के जल में समा जाएंगे। इसके साथ ही अगर देखें तो कार्बन सिंक नष्ट हो सकते हैं 1.8 बिलियन डॉलर की क्षमता वाले, और 13 बिलियन डॉलर के मौद्रिक मूल्य का नुकसान हो सकता है, और 2.1 मिलियन लोगों को तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। ये जो है घाटे होने वाले हैं। होता क्या है कि मैंग्रोव और उनके द्वारा आप जो प्रदान करने वाले इकोसिस्टम है उसके सेवाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। दुनिया के जो मैंग्रोव होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र जो है उनके मुख्य रूप से कहाँ होंगे, उष्णकटिबंधी, उपोष्णकटिबंधी और गर्म शीतोष्णकटिबंधी तटीय क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं, जो समुद्री क्षेत्रों को लगभग 15% कवर किए होते हैं। ये करते क्या हैं, तो कार्बन प्रच्छादन, यानी कि जो मैंग्रोव होंगे वो पूरे इकोसिस्टम का लगभग 11 बिलियन टन जो कार्बन का प्रच्छादन करते हैं। ठीक है, और ये जो वनों की तुलना में काफ़ी अधिक है, जो उष्णकटिबंधीय वन हैं आप जो पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी तुलना में काफ़ी अधिक है। जो तटीय जो आपदाएँ उससे संरक्षण करते हैं, जो मैंग्रोव होंगे वो समुद्री जलस्तर में वृद्धि होने से उनकी मदद करते हैं, चरम मौसमी घटनाओं में जो तटों की रक्षा भी करते हैं, जैसे तक चक्रवात आ गया, ठीक है, या फिर ऐसी बहुत सारी जो अगर बाधाएं आती हैं जो मौसम संबंधी, तो मैंग्रोव जो होते हैं वो उससे संरक्षण करते हैं, और जैव विविधता संरक्षण में भी काफ़ी अधिक इनकी भूमिका होती है। ये मैंग्रोव जो होंगे वनों में पशुओं और पौधों की विशाल विविधता पाई जाती है, इससे अगर मैंग्रोव नष्ट होंगे तो बहुत सारे जो होंगे जो जीव जंतु हैं 1500 से अधिक प्रकार के जीव जंतु वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1980 के दशक से ध्यान देना है कि अब तक जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20% मैंग्रोव खत्म हो चुके हैं, और लवणीय जल जो होते हैं सेलाइन वाटर उसको सहने में सक्षम मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों या प्रवाल भित्तियों की तुलना में 3 से 5 गुना तेजी से समाप्त हो रहे हैं। यानी जितनी तेजी से प्रवाल भित्तियाँ समाप्त हो रही हैं उसकी तेजी 5 गुना अधिक तेजी से मैंग्रोव वन है वो समाप्त हो रहे हैं। और प्रवाल भित्तियों के बारे में हम लोग नीचे वाले आर्टिकल में पढ़ेंगे, आगे आर्टिकल है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी समझेंगे। तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष खतरा क्या है, मेंस में सवाल तो ये बन सकता है कि खतरा कौन कौन से हैं, उन चुनौतियों को दर्शाइए। तो जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी ये खतरा है कि समुद्री तूफानों की जो है ये उसकी फ्रिक्वेंसी में बढ़ोतरी हुई है, कई बार लगातार जो है समुद्री तूफान आ रहे हैं। समुद्री जलस्तर में वृद्धि से मैंग्रोव की जो है उस विलुप्ति पर खतरा है। कई बार जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जैसे बांध निर्माण करना, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, उसके लिए वनों की कटाई से जल का प्रवाह, तलछट की मात्रा, इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इससे मैंग्रोव की जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचता है। प्रदूषण जैसे कि सीवेज, अपवाह तंत्र, औद्योगिक अपशिष्ट, इन सारे क्षेत्रों में जो है ये भी मैंग्रोव के इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये असाधारणीय मत्स्यकी यानी कि जो अनसस्टेनेबल जो ये मछली पालन फिशरीज का जो इस्तेमाल हो रहा है, मत्स्यकी हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि मैंग्रोव पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मछली पकड़ने के असाधारणीय तरीकों से। जैसे कि एक बार आपको बताया ना कि बॉटम टेंस ट्रॉलिंग जो होता है वो, जिसमें कि आपको समुद्र के जो जाल होती है वो जहाज़ के नीचे बांध कर और उसको लोग जो है समुद्र में फेंक देते हैं, और जहाज जब चलती है मोटर से तो फिर जितने नीचे की जितने जीव जंतु होते हैं, मछलियाँ होती हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं पूरे तरीके सबको उखाड़ पखाड़ के लेके चल देता है। तो उसमें मछली ही नहीं आती बल्कि जो अन्य स्थापित जीव हैं, पौधे हैं, कुछ तमाम प्रकार के जो जलीय जीव हैं वो भी जो होते हैं उनके पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार से थ्रीम फार्मिंग के जरिए जो है ये भी मैंग्रोव पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सरकार ने मैंग्रोव संरक्षण के लिए कौन कौन सी पहले शुरू की हैं या वैश्विक स्तर पर कौन कौन से पहल हुई है मैंग्रोव के संरक्षण के लिए, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी आगे की राह भी देखेंगे कैसे इसको ठीक करना है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो
IFSR रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट, IFSR रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जिसको भी UPPCS और BPSC का प्रीलिम्स देना है एग्ज़ाम, प्लीज़ आप ISFR रिपोर्ट 2021 को पढ़ के जाना, इस रिपोर्ट को पढ़ के जाना, ISFR ये रिपोर्ट जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सवाल UPPCS में इससे आएंगे 100% श्योर है, BPSC भी पूछेगा। इस रिपोर्ट को आप पढ़ लेना, नहीं पढ़ना रहेगा आप गूगल कर लेना, यूट्यूब पर देख लेना, कोई विषय अभी एक वीडियो यार किसी का भी जो भी पढ़ाया हो इसको पढ़ के जाना, छोड़ना मत इस टॉपिक को। समय मिलेगा तो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, मैंने नोट्स बनाया है टेलीग्राम पर, लेकिन मैं शेयर करूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन किए रहे वहाँ पे, ठीक है। भारत में मैंग्रोव क्षेत्रों में लगभग 17 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.34% की वृद्धि भी हुई है। मिष्टी योजना, सरकार ने मिष्टी योजना चलाई, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक पहल है, जो करती क्या है कि तटरेखा जितनी है भारत की उसके साथ और लवड़ी जो भूमि है, सराइन जो लैंड है उस पर मैंग्रोव का जो भी क्षेत्र उसको बढ़ाना है, इसको वृक्षारोपण करने के लिए जो स्थानीय समुदाय है सरकार क्या करेगी उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। अब आता है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैग्रोव इकोसिस्टम सैमे पहल। अब इसको जो है संधारणीय एकीकृत मैंग्रोव जलीय कृषि प्रणालियों का उपयोग करने वाले जलीय कृषि फार्मों का निर्माण यहाँ पे किया जाता है, मैजिकल मैंग्रोव अभियान। इसके साथ WWF इंडिया द्वारा 9 तटीय राज्यों को में से भारतीय नागरिकों को मैंग्रोव संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया, ठीक है। अच्छा अब आता है मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति के संरक्षण और प्रबंधन पे राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम, ठीक है। तो राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम ये सरकार ने शुरू किया, इसके तहत क्या होता है कि मैंग्रोव के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए वार्षिक प्रबंधन कार्य योजना की तैयारी होती है, ठीक है ये चीज़ें। अच्छा बहुपक्षीय सहयोग यानी कि मैंग्रोव ब्रेक थ्रू ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, वैश्विक स्तर पर देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये अलायंस बना है कि मिस्र के शर्म अल शेख में COP 27 के UNFCCC के जो COP 27 हुआ इसमें यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन और ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने इसे आरंभ किया था, ठीक है। इसमें सभी हितधारकों को 2020-30 तक क्या करना है कि 15 मिलियन हेक्टेयर से अधिक मैंग्रोव के भविष्य को सिक्योर करने की दिशा में मिलकर के एक फ्रेमवर्क बनाना है। $4 बिलियन का सस्टेनेबल फाइनेंस यहाँ पे किया जाएगा। करनी क्या रहेगी इसमें कि मैंग्रोव की हानि को रोकना है, मैंग्रोव के नष्ट के आधे भाग को बहाल भी करना है और इसके प्रयासों को विश्व स्तर पर दोगुना करना है और संधारणीय दीर्घकालीन वित्त को हमें सुनिश्चित करना है मैंग्रोव के लिए। आगे की राह क्या हो सकती है ये चीज़ को आपको ध्यान देना। कानूनी और नीतिगत उपाय, भारतीय वन अधिनियम 1927, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 जैसे कानूनों को हमें मजबूत करना है। पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए हमें करना क्या है कि मैंग्रोव के लिए मैंग्रोव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना चाहिए, ग्रीन बेल्ट और बफर जोन का निर्माण करना चाहिए और जो मेन रीजन है उसकी पारिस्थितिकी अखंडता को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। अगर ग्रीन बेल्ट और बफर जोन का निर्माण करते हैं तो इन सारे जो पारिस्थितिकी रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, इंपॉर्टेंट एरिया हैं मेन रीजन से मैंग्रोव वनों के, उसको हम लोग बनाए रख सकते हैं। साथ ही देखते हैं कि जो गाद यानी जो बहाव अपने साथ मिट्टी और अन्य चीज़ों को लेकर नदियाँ जाती हैं उन पर अवरोधों का निर्माण करके हम लोग मैंग्रोव क्षेत्रों में जो गाद पहुँचता है ना उसको हम लोग रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मैंग्रोव वनों को स्थलीय वनों से जोड़ना चाहिए, इससे क्या होगा कि जो संरक्षण के प्रयास होंगे उसमें सुधार मिलेगा और इनकी उपस्थिति बढ़ेगी। सुंदरबन मैग्रोव को सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ना इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है एग्जांपल के तौर पे। रिसर्च और डेवलपमेंट हमें बढ़ाना है, इसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पे, उपराष्ट्रीय स्तर पे और निचले स्तर पे मैंग्रोव की जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में रिसर्च और डेटा कलेक्शन को हमें करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए UN दशक 2021-30 के अनुरूप हमें करना क्या है कि मैंग्रोव का जो इकोसिस्टम है उसके सही समुद्री इकोसिस्टम पर ध्यान करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए और राजनीतिक इच्छा का शक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ वित्तीय संसाधनों को एकजुट करने से ही हमें इस प्रयासों को मतलब हासिल कर सकते हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। तो ध्यान देना है राजनीतिक इच्छा शक्ति, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वित्तीय संसाधन, ये जो त्रिकोण है इसी से हम क्या कर सकते हैं कि मैंग्रोव वनों के संरक्षण या किसी भी चीज़ों को, इसको आप तीनों चीज़ को ध्यान दो, एक जो फ्लो चार्ट बनता है ना मेंस के आंसर राइटिंग में ऐसे बना सकते हो आप। जैसे देखो राजनीतिक इच्छा शक्ति मान लो एक लिखा, गोला बनाया, फिर लिखा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा वित्तीय संसाधन, तो इनका जो त्रिकोण है ना इसी के
त्रिकोण के बदौलत जो है बहुत सारे संरक्षण के प्रयास हों या फिर कोई भी नीतिगत बातें कर रहे हों आप पॉलिसी लेवल की जिसपे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना हो या सुधार करना हो, तो इन त्रिकोण के ये आप कॉमन चीज़ें हैं, हर आंसर में इसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप याद किए रहो, इससे जो है आपके आंसर राइटिंग में थोड़ा अच्छा लगेगा और देखने में प्रेजेंटेशन भी काफ़ी आंसर्स के अच्छे लगेंगे। तीन आर्टिकल हमने देख लिया, नेक्स्ट आर्टिकल आपका आता है कोरल ब्लीचिंग। तो इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय तट पे बड़े पैमाने पे कोरल ब्लीचिंग की घटना देखी गई है। कोरल ब्लीचिंग होती क्या है? तो कोरल ब्लीचिंग होती है कि जो प्रवाल होते हैं ना, कोरल ब्लीचिंग, ठीक है, प्रवाल विरंजन, तो इन ये होता क्या है कि इनका जो है जो जुजेंथिल होता है वो अपने जो होस्ट होता है ना, पोषक होस्ट, उसको छोड़ देता है और इससे क्या होती है कि वो जो होती हैं वो मर जाती हैं, एक मृत प्राय हो जाती हैं कोरल्स, ठीक है। तो इससे इसी को कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, प्रवाल विरंजन बोलते हैं। समझेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। होता क्या है कि भारतीय तट पे बड़े पैमाने पे कोरल ब्लीचिंग देखी गई है। कहाँ पे देखी गई? तो मुख्यतः लक्षद्वीप में, मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आप देखो प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं भारत में, मैप उठा कर देखो, तो बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मन्नार खाड़ी, पाक खाड़ी में, लक्षद्वीप में, अरब सागर में और कच्छ की खाड़ी के आसपास जो है यहाँ पे कोरल ब्लीच को यहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखा गया है कि लक्षद्वीप समूह देखें तो इस द्वीप का निर्माण जो है कोरल एटोल से हुआ है। कोरल यहाँ पे कोरल जो है ब्लीचिंग के कारण बड़े संकट की सामना कर रहे हैं। करवती द्वीप समूह में देखें तो कई सारी जो प्रजातियाँ हैं कोरल ब्लीच की उसमें विरंजन देखी गई है, यानी कि उसका ब्लीचिंग देखा गया है। मन्नार की खाड़ी में देखें तो 2005 से 2021 के बीच में जो जीवित प्रवाल थे वो लगभग 37 से 27% कमी आई है। पाक जल संधि जो है उसमें भी ये लगभग 12% की कमी आई है। इस तरह से गोवा में देखें तो यहाँ भी जो है अभी प्रवाल विरंजन घटनाएं शुरू हुई हैं, अंडमान निकोबार और बंगाल खाड़ी में भी देखने को मिल रहा है। तो प्रवाल जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे जो है ये सब चीज़ों को देखने मिल रहा है। तो अब आता है कि कोरल यानी कि प्रवाल मूंगा होते क्या हैं। एक की स्टोन समुद्री प्रजाति होती है, की स्टोन प्रजाति, ठीक है। ये पॉलिप्स और जुजेंथला, ये इसके नामक जो दो प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल होते हैं, इन शैवालों के बीच जो है सहजीवी संबंध होता है, इसी कारण से इनका निर्माण होता है, ये बनते हैं, ठीक है। ध्यान देना, पॉलिप्स और जुजेंथला ये दो प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल होते हैं, इसी के बीच जो है सहजीवी संबंध कारण एक कीस्टोन समुद्री प्रजाति है कोरल यानी प्रवाल यमुंगा वो बनती है। कोरल को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? गर्म जल, यानी 23 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के लिए ये तापमान चाहिए और लवणी जल चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ और उथला जल हो, यानी कि जहाँ अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुँचता हो, ठीक है, वो चीज़ ध्यान देना है। जो प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जो है हैबिटेट वाले एरिया होते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के जो जलीय प्रजाति होती है ना उनको आहार मिलता है और उन्हें आश्रय भी मिलता है। ये क्या करते क्या है कि जो चक्रवात आते हैं ना उनसे तटों की रक्षा करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, समुद्र का वर्षा वन इन्हें बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब होता क्या है प्रवाल विरंजन, इसको समझेंगे। तो जो समुद्री का सतह है, तापमान है, सी सरफेस टेम्परेचर होता है, उसमें वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है? तो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कारण हो रही है। तो जो जुजेंथली है अपने पोषक तत्व जो होगा होस्ट उसको छोड़ देगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो जो स्वस्थ प्रवाल होगा वो प्रवाल और शैवाल एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं जीवित रहने के। देखो यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप ये ग्रीन कलर वाला, येलो कलर वाला, तो ग्रीन कलर वाला आप देख रहे हो प्रवाल और शैवाल दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पर जीवित रहेंगे, निर्भर रहेंगे। तो होता क्या है कि जब जब समुद्री सतह जो तापमान होता है बढ़ोतरी होती है ग्लोबल वार्मिंग कारण, तो होता क्या है कि शैवाल अपने जो प्रवाल होगा ना उसको छोड़ देगा, ठीक है। अब इससे कारण क्या होगा, प्रवाल विरंजित होगा और ये मतलब वनरेबल हो जाएंगे और खंडित हो जाएंगे और यही जो होंगे यही उसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो अब होता क्या है कि जुजेंथली जो होते हैं वो कोरल को रंग देते हैं और ये प्रवाल की 90% जो न्यूट्रिएंट संबंधी जो जरूरतें होती हैं उसको पूरा करते हैं। दोनों एक दूसरे के सहजीवी संबंध पे निर्भर होते हैं। आप बताया ना कि पॉलिस और जुजेंथला नामक प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल के बीच में ये जो है निर्माण होता है, ठीक है। तो ध्यान देना है इसके लिए इम्पोर्टेंट जो प्राइमरी रीजन्स क्या हैं, प्रमुख फैक्टर्स क्या हैं प्रवाल विरंजन के लिए, ठीक है। तो एक डेटा है कि विश्व के लगभग 30% जो प्रवाल भित्तियाँ हैं पहले ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और लगभग इसमें से भी लगभग 60% जो है 2030 तक समाप्त हो सकती हैं। तो प्राइमरी रीजन ये है कि समुद्री सतह का तापमान बढ़ना है, ठीक है। कई बार होता क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से जो पार्थिव विकिरण है
या जो अधिक उष्मा है वो वायुमंडल में फंसी रहती है और ये समुद्री सतहों द्वारा इसको अवशोषित कर लेते हैं महासागरों द्वारा, जिससे क्या होगा सी सरफेस टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, प्रवाल विरंजन इसीलिए होता है। समुद्री हीट वेव से भी जो है समस्याएं होती हैं, जीव जंतु अपने होस्ट को छोड़ देते हैं और ब्लीचिंग की घटना होती है। अलनीनो, अलनीनो आपको मैंने पढ़ाया कई बार, तो अलनीनो कारण क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में जो है तापमान होगा वो अधिक हो जाता है सामान्य से, इस पे भी प्रवाल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समुद्री जलधारा में बदलाव होता है, कई बार होता है क्या कि हीटिंग पैटर्न और जो लवणता है और वायु प्रणाली का जो पैटर्न है उसके कारण से क्या होता है कि जो धाराएं में बदलाव होती है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है कभी घटता है, तो जब बढ़ता है तो वहाँ भी प्रवाल विरंजन होता है। जो एसिडिफिकेशन होता है महासागरीय एसिडिफिकेशन, सी एसिडिफिकेशन होता है, ओशन एसिडिफिकेशन, उसके कारण भी जो होगा यूजेंथली होगा अपने होस्ट को छोड़ देगा, इससे भी कोरल ब्लीचिंग होती है। और कई बार क्या होता है कि बॉटम ट्रॉलिंग, बताया ना मैंने बॉटम ट्रॉलिंग, या फिर अगर मतलब वही जो आपका जो बताया ना कि आप जो मछली पकड़ते हैं लोग बॉटम ट्रॉलिंग से, उस तरह से, या फिर अवशिष्ट पदार्थों की डंपिंग से होता क्या कि जो गाद होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जूजेंथली का प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है, बताया ना आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उसके लिए जो आवश्यक दशाएं उसके लिए क्या चाहिए, तो यहाँ आपने पढ़ा स्वच्छ और उथले जल चाहिए, आपने पढ़ा ना स्वच्छ और उथले जल, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुँचता होती है, ये प्रभावित होता है, तो इसके परिणामस्वरूप जो है प्रवाल विरंजन भी होते हैं। अन्य कारण क्या है, जैविक आक्रमण, कई बार होता है कि जो कई बार आक्रामक प्रजातियाँ होती है जैसे समुद्री शैवाल सीवीड, इनका प्रसार होता है तो ये भी दिक्कत होती है। ग्रेट बैरियर रीफ पे देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ पे रीफ का निर्माण करने वाला कोरल उसका भी नुकसान पहुंचा, किसी कारण क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश के कारण, ठीक है। अभी आप देखो तो जेनोबायोटिक्स यानी कि कई बार कॉपर हर्बिसाइड और तेल यानी कुछ जो है रासायनिक जो संदूषक है उसकी हाई कंसंट्रेशन के संपर्क में आने से भी जो है यूजेंथला का नुकसान हो सकता है, इसको जेनोबायोटिक्स बोलते हैं। एपिजूटिक्स क्या होते हैं, कोरल में एक जो है रोग जनित विरंजन होते हैं, ये मतलब इसमें होता क्या है कि ब्लीचिंग होने के बजाय क्या होता है कि पूरे कॉलोनी की मृत्यु हो जाती है और एक कंकाल बचा रह जाता है, ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत होती है। तो कई कारण है जिस कारण से जो है ये प्राइमरी कारण से जिसके कारण जो है ये प्रवाल विरंजन की घटनाएं होती हैं। तो भारत में प्रवाल संरक्षण के लिए कौन कौन सी पहल शुरू की गई है इसको जानना है और कैसे इसे निपटा जा सकता है इसको हम लोग समझेंगे, आर्टिकल खत्म हो जाएगा। तो भारत में प्रवाल संरक्षण के लिए जो है कौन सी पहल शुरू की, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है तटीय विनियमन क्षेत्र कोस्टल रेगुलेशन जोन की नोटिफिकेशन 1991 में जारी की गई जो कि कोरल रीफ का संरक्षण समग्र रूप से करता है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट द्वारा पारिस्थितिकी विकास संबंधी गतिविधियों को जो है ये भी जो है बनाया गया, इसमें मछली पकड़ने वाले जो लोकल लोग होंगे उनको सशक्त बनाया गया है और इनको जो है प्रवाल विरंजन पे दबाव कर्म करने के लिए मदद भी सरकार ने की है इन प्रयासों से। कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट मीठापुर यानी ये कहाँ पे किया गया 2008 में, WTI और गुजरात वन विभाग ने इसको शुरू किया था, तो ये चीज़ें ध्यान देना है आपको। और भारतीय प्राणी संरक्षण ने गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर कच्छ की खाड़ी में कई सारी प्रवाल भित्तियों को सफलतापूर्वक बहाल भी किया है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं। तो ऐसे में है कि आगे की राह में से हम लोग प्रवाल विरंजन से कैसे निपट सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वाला जो कैसे आगे की राह जो है, क्योंकि यहाँ पे मेंस में सवाल बन सकते हैं भाई इसमें। तो नीति निर्माण में बहुपक्षीय सहयोग करना है, अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल जो है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है या राष्ट्रों और संगठनों के बीच में एक वैश्विक अनौपचारिक भागीदारी करता है, जिसका उद्देश्य क्या है कि विश्व भर में जो प्रवाल हैं उनकी जो इकोसिस्टम उसके बीच को हमें कंजर्व करना है। भारत इसका सदस्य है, ठीक है, और इसे जो है 1994 में बनाया गया था। वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी परियोजना है, इसे पूरे यूरोप में एक एक्वेरियम में कोरल बैंक बनाया गया है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ये क्या है कि नवीन खनिज अभिवृद्धि टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम लोग भित्ति के निर्माण के लिए जो इसेंशियल जो प्राकृतिक निर्माण सामग्री उसके लिए हम लोग कर सकते हैं, प्रवाल की बहाली में सहायता मिलेगी। सुपर कोरल मानव विकास सहायक नामक प्रक्रिया से हम लोग हाई टेम्परेचर को सहने में जो एक्सीटू जो कंजर्वेशन है उसको हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ साथ देखें तो दीर्घकालीन संरक्षण प्रयास भी करना चाहिए, जैसे कि हमें करना क्या चाहिए कि बेहतर अवशिष्ट प्रबंधन करना चाहिए, गाद मैनेजमेंट का जो है उसको रोकना चाहिए, बॉटम ट्रॉलिंग जो बताया मैंने उसको रोकना चाहिए, और इसके साथ ही समुद्री प्रदूषण में कम करके हम लोग कम करके प्रवाल की संधारिता को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ साथ जागरूकता को बढ़ा करके प्रशिक्षण के माध्यम से समुद्री जो तटीय जो समुदाय उसको प्रवाल भित्तियों की स्थिति को बनाए रखने के लाभों के बारे में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।
और ध्यान देना है मछली पकड़ने के संधारणी तरीकों और गतिविधियों को हम लोग सक्षम करना चाहिए, ये चीज़ें आपने देख ली। तो ये आर्टिकल्स, चार आर्टिकल्स से हमने देखा बहुत सारी चीज़ें, कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ्स, मैंग्रोव कंजर्वेशन को हमने देखा। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा जो आपके पारंपरिक अधिकार और जो है जेनेटिक रिसोर्सेस हैं उसके बारे में। तो इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद जो है आप देखे होंगे कि जो सवाल बन सकते हैं, ठीक है, उन वहाँ से हमें कैसे उन टॉपिक्स को पिकअप करना है। जैसे एनर्जी ट्रांजिशन में मैंने आपको बताया कि सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, UPPCS में यहाँ पे पूछा हुआ सवाल है भाई, कई बार आया हुआ है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह से अभी आर्टिकल थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये आपका इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, कल आपकी एक क्लासेस में ये इन्वायरमेंट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद सीधे सीधे सिर्फ एक क्लास लेंगे और वो साइंस एंड टेक की क्लास होगी, साइंस एंड टेक खत्म हो जाएगा। और जून और जुलाई की मैगजीन्स को हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे, जैसे जनवरी जून और जुलाई में हम लोग पॉलिटी के मैगजीन को, जैसे मान लो जून का पढ़ा दिया पॉलिटी, फिर जुलाई का पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद IR में जून का पढ़ाएंगे, फिर IR में जुलाई का पढ़ाएंगे, एक साथ दो दो मैगजीन कराएंगे और आपका इसी महीने में दोनों मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ये पक्का वादा है, अब गैप नहीं होगा, सारी चीज़ें रेगुलर चलेंगी और आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है, धन्यवाद।